चल दिए घूमने, सीधा चलो, सीधा 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 चलो, आओ तो बैठे हैं उधर, मम्मी रहे हैं अपने पापा के साथ, हम लोग जा रहे हैं जनपद मार्केट, जनपद मार्केट पहुंच जाए पहले। अश्विति के पापा के साथ अपना सूज उतार के फेंक दिए हैं। और ये मैं आ गई फिर से शॉपिंग करने, संडे एंजॉय करने, लेकिन मैं बाद में बताऊंगी संडे कैसा एंजॉय हुआ है मेरा। यहाँ पे ज्वेलरी मिल रही थी, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, और हम धीरे 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 आगे बढ़ते 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 चले गए। यहाँ भी खूब भीड़ थी, संडे था, संडे ये आदमी पे आदमी टूटे पड़े हैं एकदम। मुझे लगता है इतनी भीड़ आती कहाँ, जिस दिन हम निकलते उसी दिन भीड़ रहती कि डेली भीड़ रहती है। अब किसी ऐसे दिन आके देखते हैं जिस दिन भीड़ ना रहे यहाँ पे। बारिश हुई थी तो बारिश के वजह से बड़ा कीचड़ वीचड़ सा हो रखा था यहाँ। यहाँ पे नाइट सूट बड़े बढ़िया बढ़िया मिल रहे थे, लड़कियों के सूट वगैरह, प्लाजो पैंट का सेट, बट वो मुझे कॉस्टली लग रहा था, मुझे ऐसा नहीं समझ में आ रहा था कुछ लेने लायक शुरुआत में। फिर मैं आगे बढ़ती गई, ये एंट्री पॉइंट है, वो अभी तक बाहर की मार्केट थी, जनपद के बाहर की मार्केट है वो, जनपद की मेन मार्केट ये शुरू हुई है। दुपट्टे जैसा जो वो होता है स्टॉल होता है वो, ये यहाँ डेकोरेशन आइटम है जिसमें बुद्धा जी वगैरह की फ़ोटो रहती है ना, स्टैचू बना रहता है, फ़ोटो नहीं स्टैचू रहता है प्रॉपर। और ये यहाँ पर्स है, मम्मी ने मेरी पर्स बोला है लेने को, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये मैं आगे बढ़ रही हूँ, यहाँ पे ना तीन साइड से दुकानें हैं, यहाँ पे मेंस का बड़ा अच्छा कलेक्शन है। ये आ गया मेंस कलेक्शन, ये ना बड़ा टी शर्ट शर्ट यहाँ रीजनेबल प्राइस पे, और कपड़े की क्वालिटी ना थोड़ी अच्छी होती है। मुझे सरोजनी की अपेक्षा ना यहाँ के क्लोथ्स की क्वालिटी अच्छी लगी, मेंस के सेक्शन की बात करूँ मैं स्पेशली। तो मैं अपनी मम्मी के लिए पर्स खोज रही हूँ ना, तो मुझे एक आगे शॉप दिखी, और शॉप पे जाके मैंने थोड़ा देखा, बार्गेन करने की कोशिश की, बट यहाँ फिक्स प्राइस था, और फिर मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं। सब ये ना गर्ल्स टाइप के पर्स थे। और आगे बढ़ गई, फिर आगे देखा मैंने ज्वेलरी वगैरह बहुत है, ज्वेलरी मैंने कल ही बहुत सारी बटोर रखी है तो इसलिए नहीं लिया मैंने आज। और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ ना तीन सेक्शन में शॉप्स हैं, एक साइड साइड में है, एक मिडिल में है, मिडिल में छोटी छोटी शॉप्स हैं जैसे कि डेकोरेशन आइटम के लिए, ज्वेलरी की, सॉक्स वगैरह की, इस टाइप की शॉप्स हैं। देखिए यहाँ पे डेकोरेशन आइटम, और यहाँ पे कुछ शॉप्स इतनी कॉस्टली हैं कि आपको दाम सुन के लगे कर रहे ये कहाँ गई मैं। और बारिश की वजह से ना यहाँ बहुत सारा कचरा हो रखा था, कीचड़ वीचड़, तो यहाँ साफ़ सफाई भी हो रही थी प्रॉपर अच्छे से, तो मुझे थोड़ा सही लगा कि हाँ चलो साफ़ सफाई हो रही, क्योंकि पैर रखने में किच-किच हो रहा था। और फिर इस वजह से ना भी मन नहीं करता है कि कहीं रुको बैठो वेट करो किसी का। यहाँ पे ना पीतल आइटम है, उसको भी आप ख़रीद सकते हैं, सब कॉस्टली आइटम है, बट जिसको शौक है वो ख़रीदता है, तभी यहाँ पे लगाते हैं लोग। मेरे तो बजट के बाहर है, मैंने एक जगह कुछ देखा था पर्स जैसा, बट वो ना बहुत कॉस्टली था तो मैंने छोड़ दिया, मैं आगे बढ़ गई थी वहाँ से। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आपने इस मार्केट में कभी भी विज़िट किया है तो कमेंट बॉक्स में आइए और जनपद लिख के जाइए, ताकि हमें पता चले कि हमारे वीडियो को लोग आके देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो बना सके आगे चल के।
और इसी के साथ फिर ना मैं आगे बढ़ गई ज्वेलरी शॉप पे। मुझे ना यहाँ पे पायल अच्छी दिखी, लेकिन मेरा पैर बहुत छोटा है तो वो मेरे किसी काम नहीं आई। यहाँ पे इयररिंग्स बहुत अच्छी अच्छी थी, लेकिन मैंने कल इयररिंग ले ली थी तो इस वजह से नहीं। यहाँ पायल बहुत सुंदर सुंदर थी, ये सारे पायल्स हैं, लेकिन मेरा पैर बहुत छोटा है तो मैंने कोई पायल नहीं ली। मुझे पसंद बहुत आया था इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया उसको वहीं पे। ये हुआ कि हम उसमें चांदी का पायल बनवाएंगे अब उस तरीके से। यहाँ पे ना डेकोरेशन आइटम बहुत है, फ्लावर्स वगैरह देखिए कितना बढ़िया बढ़िया बास है, फ्लावर है, आप लगा सकते हैं डेकोरेशन के लिए। जिसको शौक होता है लेडीज़ आती हैं, आप चेकआउट करती है। मैं थोड़े दिन के लिए आऊँ, सामान बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए नहीं। और आगे चश्मे वगैरह खूब सारे थे, मैं सोच रही थी एक चश्मा ले लूँ, बट फिर मैंने कहा हटाओ, लगाना कभी नहीं, क्यों लेना फालतू। यहाँ की मार्केट जितनी भी है दिल्ली में ना, मुझे एक चीज़ बहुत ख़राब लग रही है कि यहाँ पे वेस्टर्न आइटम बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल रहे हैं, लेकिन वहीं आप इंडियन आइटम लेने चलो जिसका कल्चर है हमारा, वो यहाँ बहुत कॉस्टली है। यहाँ पे आप सूट प्लाजो दुपट्टा कुर्ता कुछ भी लेने जाओ सेट वेट का, वो बहुत महंगा पड़ जाता है। इस वजह से लेने का मन नहीं करता। ये होता है कि सस्ता तो है ही नहीं, फिर मार्केट आने का क्या फ़ायदा, हमारे काम की कोई चीज़ हो तब तो ठीक भी है। इसी के साथ ना हम आगे बढ़े और वहाँ पे मेंस आइटम में मुझे टी शर्ट दिखी। मुझे टी शर्ट लड़कों की बहुत अच्छी अच्छी दिख रही थी, यहाँ पे प्रिंटेड टी शर्ट थी। इसके मतलब टी शर्ट की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, सबसे बड़ी बात ये कि मतलब ऐसी नहीं लग रही थी कि वो बहुत सस्ती टाइप की है या वैसे बहुत हाई क्लास की है। यहाँ टॉयज भी थे, टॉयज बच्चे साथ में गए हैं तो बढ़िया है, लालच आएगी उनको और वो अपने पेरेंट्स को बोलेंगे ही खरीदना है खरीदना है खरीदना है, इसी बहाने उनकी भी बिक्री हो जाती है बढ़िया। यहाँ कड़े वड़े थे, बाकी और आइटम, यहाँ बच्चों के छोटे छोटे पर्स दिख रहे हैं। ये यहाँ पे ना बहुत सारी प्रिंटेड आइटम की शर्ट दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि हम गोवा आ गए हैं। सारी हाफ शर्ट थी और सब मस्त मस्त अलग अलग तरीके के प्रिंट, ऐसा लग रहा है कि हम गोवा बीच पे जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे भी गर्मी बहुत है तो गोवा जाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर बजट है किसी के पास तो। यहाँ कुर्तियाँ उर्तियाँ थी लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ समझ में आई नहीं, मैंने देखी तो रुक के लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैं इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एग्ज़िट की तरफ बढ़ी। और वहाँ जाके साइड में भी बाहर की तरफ हम जब आए थे तो सीधा आए थे, और उसके लेफ्ट साइड में भी थोड़ी सी शॉप्स लगी थी, 10-12 शॉप्स थी आमने सामने, लेके उधर चले गए। वहाँ पे भी ना कुछ ऐसे पर्स की वेस्टर्न वेयर इंडियन वेयर और मेंस का सबका था, बच्चों का भी सेक्शन था उसमें थोड़ा सा। ये आ गया बच्चों का सेक्शन, उसके जस्ट बगल पर्स था, मैंने पर्स पे देखा लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया पर्स में। पर्स यहाँ ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन कितनी भीड़ लगी पर्स खरीदने के लिए। देखिए यहाँ आप अच्छे से बार्गेनिंग करके ले सकते हैं पर्स वगैरह, जो भी सामान लेना पर्स क्या कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ आगे बढ़ने के बाद हमें फिर वही 50 रुपये वाला आइटम दिखा। यहाँ बहुत सारी टॉप्स थी, 100 में 2, 50 में 1, 100 में 2, 100 में 2, ऐसे चल रही थी। देखा मेरे किसी काम का नहीं था, फिर मैं आगे बढ़ते हुए चली गई। यहाँ पे मतलब बाहर है, बार्गेन कर सकते हो अच्छे से, मैं बस देखती रही। मैंने इस मार्केट में कोई शॉपिंग नहीं की, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। और घर पे आके ना हर्ष मुझे चिढ़ा रहे थे कि ये तुम मार्केट लेके गई थी, ऐसी कौन सी मार्केट है जहाँ तुमने कुछ शॉपिंग ही नहीं की है। जबकि वहाँ या भी इंडियन वेयर भी दिखा मुझे, लेकिन उतना अच्छा सा नहीं दिखा, इसलिए फिर मेरा मन नहीं किया लेने का। जब होता है या तो हो सकता है मैं बहुत मन से आई थी, ये देखिए इंडियन वेयर है, बट मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कुछ कि मैं क्या देखूं और क्या लूं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। जब मैं ज़्यादा मन से शॉपिंग करने जाती हूँ तो मुझे कोई आइटम नहीं मिलता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ बेमन से ही शॉपिंग करने जाऊँ। यहाँ पे हर शूज़ देख रहे थे, इनको एक आइटम अच्छा लगा, फिर हमने उसे ले लिया और फिर हम आगे बढ़ गए उस चीज़ को लेके। और फिर यहाँ से थोड़ी दूर जाने पे ना, अगर आपको बस पकड़नी है तो आप लेफ़्ट साइड जाइए, वहाँ बस स्टॉप है, और आपको मेट्रो पकड़ना है तो राइट साइड जाइए, वहाँ पे राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। और हमें बस लेनी थी तो हम बस पकड़ने के लिए आ गए इधर, हमने बस पकड़ी और मैं फ्री में और हर्ष ने पैसे चुकाए और हम घर आ गए।